discuss the situation of the song and what vision is what is going to happen in the video. So वो भी बहुत minor बहुत बाय रहा है. Yes. Definitely. बहुत time ऐसा होता है कि हाँ बुला लिया बजा लिया हो गया. बट एक सिचुएशन समझना कि गाना किस पॉइंट पे फिल्म में आ रहा है प्लस द लिरिक्स जो लिरिक्स है गाने के तो ऐसा कुछ पैटर्न ना हो जिससे लिरिक्स डिस्टर्ब हो जाए या एक जो स्विंग है गाने का जो एक नेचुरल कॉम्पोजिशन में एक स्विंग बनता है तो ये सब आप पूछते हैं उनको और फिर आप स्टार्ट करते हैं. बहुत बार पूछता हूँ मैं कि क्या है व्हाट इज द सिचुएशन लाइक फॉर दिस Doom 2 का yeah. I had asked the situation कि भाई इसमें क्या है the situation mm-hmm. what is this तो ऋतिक रोशन का एंट्री है करियो डांस है तू बोले यार कभी मैंने situation पूछा था right. I didn't know it was a dance song then mm-hmm. so I asked you what is the situation mm-hmm. तुम explain to me कि ये डांस का है थोड़ा कथक ओरिएंटेड है भरतनाट्यम भी हो सकता है okay. तो आप क्या कर सकते हैं इसमें उसमें मृदंगम और तबला तो इसलिए मैंने मृदंगम बुलाया करेक्ट थोड़े भी डाले कोटबाई भी डाला कि भाई जो भी है तो सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज हैपनिंग देयर Because the pattern will it will define that, no? Right. For example, Sachin Jigar ne Bezuba. Yes. So मैंने पूछा क्या है बोले situation ऐसा है Remo explain कि ये ऐसा होगा फिर वो sad हो जाता है then बारिश आएगी correct वहाँ ये लोग dance करते हैं तो बारिश का sound create किया हम लोग right Item numbers are same everywhere. Right. There is no situation. The item is the situation, basically. Right. So that's what happens over there. And so that's the thing. You don't actually think what are you going to do there. Yes, in an item song, you will think of what kind of bigness I can give this song. What kind of sound I can give which would be unique. Mm-hmm. You know, like I still remember that Sajid Babajit song. नहीं वो रोल लेके आया साजिद पागल हो गया परखना समझना बहुत जरूरी है बहुत बहुत जरूरी है yes. बैकग्राउंड स्कोर आप जब देखते हैं मतलब फिल्म में क्योंकि मुझे अभी भी याद है मिर्ज़ा का बैकग्राउंड स्कोर में मैं आपके साथ बजा रहा था और जो स्टार्ट जो ओपनिंग क्रेडिट्स हैं तो एक वो क्या कहते हैं लोहार लोगों का जो एक एरिया रहता है पूरा वो दिखाया गया एंड एवरी वन इज यू नो बैंगिंग द मेटल नॉट ऑन द क्लिक और आपने वो अब्रप्टनेस जो उनके पटकने को पकड़ी बट उसको इतना रिदमिक आपने कर दिया बिकॉज आपने वो पल्स देगा बैकग्राउंड स्कोर में कि ये पांच मात्रा में ऐसा आके इसका नोट्स रिपीट हो रहे हैं सो कुछ पांच में हो रहे थे कुछ सात में हो रहे थे कुछ नौ में हो रहे थे तो वैसा पॉलीरिदम पूरा बनाया था राइट और
असली हथौड़े मारे थे, हथौड़े मारे थे असली हथौड़े से हम लोग, असली हथौड़े से हमने वो साउंड क्रिएट किया बिकॉज़ राकेश वांटेड इट, करेक्ट। तो वो पूरा स्केप मैंने देखा, वो सीन मैंने देखा और मुझे लगा कि मैं इसको कर सकता हूं। राइट, दे वर एक्चुअली स्टक इन दैट सीन, दे होल थिंग वाज ओवर, या यू टोल्ड दे वर स्टक, इसको हम लोग कहां लेके जाएं अभी। करेक्ट, राकेश एंड भारती वर नॉट गेटिंग वेरी हैप्पी विद व्हाट वाज हैपनिंग। जुकू बॉय वाज आल्सो, जुकू बॉय वाज देयर, Tubby was there. Yes. Tubby was doing the background. So he told me, Tubby, but अभी आप इसको कहाँ ले जाएंगे? मैं बोला मैं आता हूँ, मैं तो मैं I went to their studio where their studio is and I saw the film. Rakesh was not there, Bharti was there and I told Bharti and I saw this 3-4 times I saw it. Mm-hmm. And while seeing it, I was visualizing each stroke which is coming down. I was calculating it. Correct. उसका पहला vision में मैंने एक आदमी को पकड़ा पहले वॉच में, mm-hmm. कि हाँ इसका इस हिसाब से जा रहा है, फिर और एक बार बजाया, फिर वो पीछे वाले को पकड़ा उसका ये हिसाब से जा रहा है, right. फिर तीसरी बार में इधर जो दो है उनको पकड़ा, ऐसे करके मैंने 4-5 उसका वॉच किया, right. and then I figured out everything and then I told Bharti I can do it, yeah. because I also wasn't sure whether I can do it and then I said yes I can do it, yeah. and then yes let's book the studio and do it and then they had the faith again, faith is very important, they had the faith कि Taufeeq will deliver, and I delivered and they liked it. तो वो हर एक स्ट्रोक हमने पकड़ा, yes. कोई 5 मात्रे में जा रहा है, कोई 7 में जा रहा है, एक बीच में वो औरतें भी चल के आती है, पायल की आवाज, वो पायल की आवाज भी हमने पकड़ी के जो इन सब को मैच करते हुए जा रहे हैं, और वो आग उड़ रही है उसको भी हमने पकड़ा, yes. है कि नहीं? तो ये एक पूरा पॉलीरिदम फीचरिंग 5-4, 7-8, 9-4 करके पूरा हमने उसका साउंडस्केप बनाया। Very important to understand what is happening in the film, and after that, that whole scene comes out where the horses start running. Correct. That's when the djembe is kicked. So, मैंने बोला कि ये रेला क्यों नहीं डाला जाए यहाँ पे? मुझे वही याद आया शोले का, हाँ, उस साहब का रेला. मैंने बोला घोड़े भागने चलो, रेला हम लोग डालते हैं djembe का. तो मैंने और शिखर ने फिर मल्टी ट्रैक करके पूरा रेला बजाया उसके ऊपर. Yes. With the horses running, so that is very necessary to know. कि इधर स्केप में क्या आने वाला है, इस फिल्म में क्या आने वाला है. अभी यहीं पे मैं जाऊंगा, मैमुना मैग्रोव चेजिंग सीन, जो साइकिल वो सीन है कि वो फिल्म देखने जाते हैं एंड देन शाहरुख खान सीज वो गन आ रही है एंड देन होल दैट साइकिल रेस साइकिल चेस इज देयर. करेक्ट करेक्ट. तो मैं गया, रंजीत भाई वाज डूइंग द म्यूजिक. यस, अगेन रंजीत भाई एंड मैं वी आर वेरी लाइक brothers. He has the faith in me कि ये तौफीक भाई को बुलाए तो करेंगे. तो उन्होंने मुझे बोला तो तौफीक भाई आप क्या करिए, सीन देख लीजिए और इसके हिसाब से आप जो भी रिदम का करना है आप कर दीजिए, फिर मैं आके उसके ऊपर ऑर्केस्ट्रा जो भी कुछ करना है कर लूंगा. So he had the faith, he left and I started working on it. Correct. मैंने उस सीन के हिसाब से कहाँ से वो ये वॉइस आना चाहिए, उसके ऊपर ब्रेथ का आना चाहिए और फिर वो वॉइस का आना चाहिए, तबले की बोल कहाँ आने चाहिए, तकदुम तकदुम वो सब कहाँ आना चाहिए, ये सब मैंने डिजाइन किया. डब्स का आना चाहिए, बिग ड्रम, जो सब पूरा उसका डिजाइन किया मैंने, बिकॉज आई कुड सी द सीन, राइट, आई कुड सी द सीन. सो मेरे को वो सीन के हिसाब से समझ में आया. और वैसे ही हम जब बैकग्राउंड करते हैं तो वी कैन सी द सीन कि वो है. अभी जैसे कि वो जो था जो फिल्म गुंडे, हाँ, उसमें जब रणबीर और ये लोग दोनों जब फाइट कर रहे हैं तो पूरा बॉन्गोस से हम लोग ने किया, बिकॉज़ वो पूरा सीन ही वैसा था, वो कबूतर फ्लाइंग एंड दैट ऑल फुल बॉन्गो. और उसके पहले एक जो सीन है वो पूरा कोयले की कार में वो फाइट होती है, वहां हमने पूरा बिग सब लोग ने मिलकर के प्लेड बिग ड्रम्स एंड टफ एंड एवरीथिंग, वी जस्ट हाईलाइटेड दैट होल फाइट. सो वहां पे दिखता है तो हम वो कर सकते. In a song, you don't know what is there, but you need to visualize. आपको अगर ये आदमी ने बताया तो ये कैसे आएगा, इसको हम कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू दिस, हाउ कैन आई डू द वॉटर साउंड, पानी का उड़ रहा है ये कैसे कर सकता हूँ मैं, इसको किस हिसाब से कर सकता हूँ मैं, वो सैड है उस गाने में तन्हाई में, तो मैं वो मातम का सीन कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, हाउ कैन आई डू दिस.
सो ये विजुअलाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। मुझे अभी भी याद है विशुन कश्मीर का एक गाना है वो चुपके से, उसमें वो विनोद चोपड़ा बोला कि एक जगह आएगी जहाँ पूरा लिफ्ट होगा, एक्सप्लोजन आएंगे, यस गाने में क्या आ सकता है उसको हम किस तरह से विजुअलाइज करके साउंडिंग सोनिकली उसको डिफाइन कर सकते हैं। मुझे अभी भी याद है सर, आपने एक बार मुझे बोला था कि मुझे देखो एक कंपोजर का एक विजन होता है गाने को लेकर, और उसके ऊपर डायरेक्टर पूरा स्क्रीन पे विजुलाइज करेगा ये गाना कैसा आएगा। तो रिदमिकली यू हैव टू कीप बोथ द विजन्स इन माइंड एंड पुट योर थिंग इनटू इट, कि किस तरीके से गाने में रिदमिकली उसको अरेंजर्स जो होते हैं, गाना तो बना, डायरेक्टर क्या सोच रहे हैं, जो अरेंजर्स होते हैं उनको ये सोचना पड़ता है कि इसको हम सोनिकली कैसे डिजाइन करेंगे कि वो डायरेक्टर उसको वहां ऐसे में अलग अलग स्केप में दिखा सकता है। तो सर ये बैकग्राउंड स्कोर है, फिर फिल्म सॉन्ग्स हैं, एड फिल्म्स में भी जैसे मैंने देखा है कि वो 30 सेकंड है बस, एक 30 सेकंड का कट है और एक 60 सेकंड का कट रहता है जो बहुत कम दिखाया जाता है, यूजुअली 30 सेकंड ही दिखाया जाता है। तो जो नाइकी का एक सर आपने ऐड किया था, तो वो एक इन दो 30 सेकंड्स इतना सब कुछ मतलब विजुअली तो हो ही रहा था बट आपने जो ऑडियो उसके साथ मर्ज किया, सो एक ऐड फिल्म के लिए विजन किस तरीके का आपका रहा है कि अच्छा मैं ये भी बताना चाहता हूं कि नाइकी का जो ऐड था जी वो हमने ध्रुव गाणेकर yes. कर रहा था, मुझे बुलाया था जी, तो हमने ऑलरेडी वो पूरा डव चंडा कर दिया एंड इट वेंट टू द क्लाइंट एंड दे बाउंस्ड इट, दे डिडंट लाइक इट, सो ध्रुव टोल्ड मी व्हाट टू डू नाउ, आई सेड लेट्स डू कंप्लीटली उल्टा नो वॉइस करते हैं। मैं अब हमेशा मैं जस्ट वुड अब्बा जी के आशीर्वाद से और भगवान के करम से जब भी मैंने वॉइस का कुछ किया है ना वो हमेशा हिट ही हुआ है, अप्रूव हुआ। सो मैं बोला ठीक है तो मैं वॉइस का करता हूँ, एंड आई वेंट इन द स्टूडियो एंड आई टुक 6-7 आवर्स एंड आई जस्ट डिड वॉइस एवरीथिंग, पूरा वॉइस रिदम ये पूरा उसका जो ब्रेथ रिदम ये वो, एंड देन इट वेंट टू द क्लाइंट एंड दे लव्ड इट। तो हमने उसका दूसरा पार्ट भी किया, नाइके गो द फुल समथिंग था वो दूसरा उसका जो था, तो दे लव्ड इट सो मच तो दे मेड अनदर फिल्म व्हेन आई वेंट एंड आई डिड माय वॉइस परकशंस एंड एवरीथिंग, सो ये तो वो हमने पूरा वॉइस परकशन ही किया, थोड़ा सा हमने कुछ ड्रम्स उसमें ऐड किए जिम्बे एंड ऑल दिस थिंग्स, सो यस दैट नाइकी वाज दैट नाइकी गॉट गोल्ड इन लंदन फिल्म फेस्टिवल, यस, और उसको ब्रॉन्ज मिला इन द कांस जो मेरे पास है, यस यस, सो दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि यू नो मैं मुझे वही लगा कि यार इतना सब हमने ड्रम करके भेजा इनको नहीं अच्छा लगा तो कुछ ना कुछ होगा तो मैं चलो वॉइस का करके भेजता हूं, तो वो अच्छा लगा। सो वॉइस का अवेलेबल अभी मैं हवर्ड करेंगे लोग, यस नाइकी देखो अभी मेरे पास वो बीच में बहुत पहले की बात है वो फिनोलेक्स वाले आए थे स्विचेस तो बोले कि हमको वो ऐड करना है आप तो आप ऐड करिए, तो क्या मैंने बोला एक काम करिए आपके पास जितने भी स्विचेस अलग अलग भेज दीजिए, तो उन्होंने पूरा भंडार भेज दिया तो उसमें से मैंने फिगर आउट किया कि इसको डबल में है तो इसको ऐसे यूज कर सकता हूँ, ये इसको मटके में डाल के कांच का वाज कांच का फिर वो एक्चुअल मटके में डाल के मेटल मटके में कैसे आता है राइट उसको टेप करके लगाया बॉल फेंक के कैसा आवाज आता है उसके ऊपर
रैपर के क्या साथ में कैसा आवाज आता है, ये सब मैंने एक्सपेरिमेंट किया. ओंकार यू वर देयर विद मी एट दैट टाइम. सो ये सारा वो तो जब उनको सुनाया सबने वो लाइक वाओ ये तो कमाल हो गया. ये इनफैक्ट उन्होंने बिगनिंग में दिया है कि दिस जिंगल हैज बीन क्रिएटेड यूजिंग ओनली स्विचेस. ओनली स्विचेस. सो किसी को ये ना लगे कि कुछ सैंपल साउंड या प्रोग्राम साउंड. ये बहुत जरूरी है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना. और मुझे जिंगल्स करना बहुत पसंद आता है बिकॉज फॉर मी इट इज लाइक यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. बिकॉज वो 30 सेकंड में आपको क्या 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 कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं. राइट, यू नो, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो मुझे अभी भी याद है सिचुएशन के हिसाब से when we, you know, we all were working on that Lucknow Central song. Yes. Correct. The brief was given that they are in a jail. Jail. And you know, वो ये बजाएंगे, वो बजाएंगे. तो हमने वैसे sounds create किए. Correct. तीन कबूतर सा हमने वैसे sound create किए. और because कबूतरों का है, इसने वो पूरा वो पहले पूरा voice से किया. और वो डब्बा बजाएंगे, उनके पास वो हारमोनियम है लेकिन बजता नहीं, उसके ऊपर बजाएंगे. तो हमने कैसे सब वो क्रिएट, वो स्केप जानना जरूरी है कि विजुअली डायरेक्टर क्या दिखा रहे. तो फिर उसको एग्जीक्यूट करना इजी हो जाता है. आई मीन इजी नहीं होता है बट हाँ उस पर विचार किया जा सकता है. सर अभी जैसे करंट जनरेशन में जो प्लेयर्स हैं या जो रिदम अरेंजर्स बनना चाह रहे हैं तो उन लोगों के लिए मतलब जो इस फील्ड में आके दे वांट टू डू समथिंग एंड दे अगेन अपने मतलब सारी बातें बोल दी कि क्या क्या ध्यान में रखना जरूरी है. कंपोजर का एक विजन ध्यान में रखना जरूरी है, डायरेक्टर का विजन ध्यान में रखना जरूरी है. उन दोनों को बैलेंस करके आप अपनी बात कैसे कहें. बट इसके अलावा सर मैंने देखा है मतलब 14 साल हो गए मैं आपसे सीख रहा हूँ और अभी भी मैं सीख रहा हूँ. अभी भी आपके साथ मैं रिकॉर्डिंग सेशंस में एज अ प्लेयर मैं आपके साथ रहता हूँ एंड इट्स अ बिग ब्लेसिंग फॉर मी. एक पेशेंस का मैं बहुत मिस करता हूँ जो मुझसे थोड़े कम उम्र में जो प्लेयर्स हैं या जो ट्राई कर रहे हैं अपना लक इसमें. आपने म्यूजिक के अलावा एक एक इंसान के हिसाब से या एक म्यूजिशियन के हिसाब से पेशेंस कैसे रहना ज़रूरी है अंदर, वो आपने बहुत बड़ी एक बात हम लोगों को सिखाई है. तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो यंग म्यूजिशियंस हैं बिकॉज दे फील दैट के बस अभी आ गए और बस अब नेक्स्ट डे हो गया, बस वी आर ऑन द रोड एंड विल फ्लाई नाउ. जस्ट एन ऑब्जर्वेशन. मैं तो बोलूंगा लोगों को कि सादा पान खाना शुरू कर दो. बहुत जरूरी है. है ना, जो मैंने बताई है पान की बात, सादा पान खाना शुरू कर दो. बट जोक्स अपार्ट, आई मीन पेशेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर वर्किंग एनीवेयर, especially when you're creating music. Music, it cannot just come fast. Yes. Whether it's melody or rhythm, that takes a little time. So you have to give it that time, so you have to patiently work towards it. Nowadays, maybe what you're saying, I mean, maybe why you're saying is also because these days it's all become very easy. You just have to drag and drop, you'll get a loop, and drag and drop, you'll get a riff, a bass line. Yeah. Comping, you can change the chord also. Yeah. You can इसको B minor कर दिया तो उसको D minor भी कर सकते हो, उसको कुछ भी कर सकते हो. है ना, तो वो एक बहुत easy हो गया. Correct. So people don't have the patience, maybe that's why, because they feel अरे इधर ये उठाए डालते ना, इधर से हो जाएगा फटाफट, इसको चार बार कॉपी कर दे. Correct. हाँ अच्छा, ये इसको यहाँ पे नोट बदलना है, अरे just selected and say pitch shift, हो गया. हम लोगों के टाइम पे क्या था, वी इवन व्हेन वी वर वर्किंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स वी हैड टू क्रिएट लूप्स, वी हैड टू क्रिएट द पैटर्न्स. वी वर वर्किंग ऑन रिदम मशीन्स, आई थिंक ऑन R8 एंड R8, यस, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन MC50 एंड देन MC80 व्हिच इज द सीक्वेंसर. यस, बट इवन इन दैट आई हैड टू
I have to program a pattern, yes. make a loop of my own, yes. and then say, okay, for 8 bars, copy, and stop, pick up, going into cross line, correct. Then pick up, coming back to sign. Yes. I had to program it. And that was a tedious process. It was not an easy process, absolutely. Right? Absolutely. Especially in R8 and all that, it was not linear programming. Yeah. On when we started working on sequencers, then it was linear. Yeah. And it was helpful. R8 but was still, wrong. जो आर एट है 626 है वो रिदम मशीन्स में हमको प्रोग्राम करना पड़ता है सो वी वुड प्रेफर के की और स्नेयर लेके लाइव ही बजा दो बिकॉज़ इट्स इजीियर करेक्ट यू नो एस्पेशली इफ देयर इज नॉट मच थिंग हैपनिंग यू सी द लाइव बजा दो आई विल टेल यू आई विल वन सॉन्ग राजेश रोशन प्यार में होता है क्या जान पूरे गाने में एक ही लूप है करेक्ट जैसे मैंने बताया था राजू भाई लाइक जस्ट वन थिंग हुई वन थिंग सो आई सेड व्हाई प्रोग्राम इट आई जस्ट हिट एंड स्टॉप एंड प्ले ना अच्छा तो मैं बट इट्स अ टीडियस प्रोसेस राइट बिकॉज़ आई एम डूइंग इट लाइव ओवर देयर इसमें मैं हिट कर रहा हूं तो मैंने किया इन फैक्ट मैंने एक ही पैटर्न तुम पकन के दिल में तुम पकन करे तो अगर कर दूं तुम पकन के दग दम तू जा टप टू 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 तुम पकन ओके पिक अप लाइव बजा दिया राइट तो वो It works, right? So, ये एक हम लोग क्या करते थे बहुत बार प्रोग्राम करके ऑक्टोपैड पे हम लोग लाइव भी बजा देते हैं साथ साथ पिकअप से नॉलेज ताकि वो साइन का पिकअप बजाने अभी क्रॉस से साइन आ रहे हैं तो पिकअप के लिए और एक प्रोग्रामिंग करो नहीं छोड़ दो वो उसके ऊपर पिकअप बजा देंगे yeah. तो जैसे कि अभी वो क्या गाना है वो जो दिलीप से समझ के समय से मैं गाना बोलता हूँ दिल की बट पिकअप मैंने लाइव में मार दिया तो इट वर्क्स पिकअप कौन प्रोग्राम करेगा यार वो टीडियस बिकॉज इट वॉज अ टीडियस प्रोसेस एंड देन ऑल्सो वी हैड डेडलाइंस नो अरे वो अभी आने वाले चलो चलो कितना जल्दी करो 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 जल्दी खत्म तो वो एक सो अभी सब कुछ इजी हो गया नाउ इट्स ऑल इजी राइट आई मीन आई मैंने क्या कहा आई हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस व्हेन दैट होल टर्नओवर वाज हैपनिंग फ्रॉम अकुस्टिक टू इलेक्ट्रॉनिक वी वर फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ दैट अकुस्टिक एंड कमिंग इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स सो मैंने वो पूरा दौर देखा है प्रोग्रामिंग टिल द टाइम व्हेन कंप्यूटर्स केम सो आई हैव सीन ऑल दैट एंड आई हैव गॉन थ्रू इट एंड आई हैव वर्क थ्रू द rhythm machines into sequencers into computers into VSTs finally. Yes. Right? So now it's all VSTs, it's all available. So that's why I feel that the musicians who come out, I would always say, you know, learn some form of music. Kuch ek music aana chahiye, chahe wo Western music ho, African music ho, Latin music ho, classical music ho, kuch ek music ya rhythm ka kuch ho. तबला सीख लो या ड्रम सीख लो या जेम्बे या कुछ भी सीख लो कुछ एक फॉर्म ऑफ म्यूजिक अगर आप कमिटेडली करते हो ना तो वो बहुत जरूरी है और बेसिकली यू नो पेशेंस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई नो दैट नाउअडेज इट्स ऑल डेडलाइंस कम ऑन मूव फास्ट द वर्ल्ड इज गॉन वेरी फास्ट बट इवन दो यू वर्क फास्ट इफ यू स्टिल कीप अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस इन योर सेल्फ इट विल बी गुड उसका एक फायदा आपको ही होगा बी कमिटेड टू योर वर्क बी ट्रूथफुल टू योर वर्क डोंट ट्राई शॉर्टकट्स एज मच एज पॉसिबल टेक अ शॉर्टकट विच इज अ वेरी इनसिग्निफिकेंट शॉर्टकट इफ यू ट्राई टू टेक अ शॉर्टकट विच इज अ वेरी मेजर शॉर्टकट देन प्रॉब्लम हो जाएगा छोटा मोटा चलता है सब लोग लेते हैं मैंने नहीं बताया क्रॉस कर लिए जाने के लिए कौन पिकअप बनाएगा बजा डालो वो शॉर्टकट ठीक है लेकिन बड़ा शॉर्टकट लेने जाओगे तो बहुत मुश्किल में भी आ सकते हो कभी निकल भी सकते हो बट कभी कभी ये होता है कि देन यू फॉल फ्लैट ऑन योर फेस सो बी कमिटेड बी ट्रूथफुल टू योर वर्क एंड यू नो जस्ट हैव पेशेंस एंड जो भी काम करो ना ईमानदारी से करो बस दैट्स ऑल ईमानदारी से करो दैट्स व्हाट अब्बा जी ऑलवेज यूज्ड टू से कि बेटा जो काम करो ना ईमानदारी से करो ईमानदारी से करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा करेक्ट और ऊपर वाला हमेशा तुम्हारा साथ देगा सर इसमें एक रिदम अरेंजर बनने के लिए एक
उस चीज को स्टडी करने के लिए एक क्या कहते हैं किसी एक अरेंजर के अंडर कुछ वक्त बिताना और फिर जरूरी सीखना है। मतलब ये जो एक है मोर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सी आई हैव वर्क्ड विद अरेंजर्स लाइक दुबे जी, करेक्ट, समीर भाई, दिलीप सर, समीर भाई, फैबुलस रिदम अरेंजर, फैबुलस म्यूजिशियन। यस, जैसे उनका हाथ चलता था थ्री पीस कोकांगा पे, मैंने किसी का नहीं चलते, अमेजिंग। सो वो उनके अंडर में काम किया है, दुबे जी के अंडर में काम किया है, तो मैंने देखा है काम कैसे, वो लोग कैसे अरेंज करते थे, क्या करते थे, right. क्या माइंडसेट होता है, हाउ आर दे डिवाइडिंग द पैटर्न, राइट, बिटवीन ऑल द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, यू नो। सो वो थोड़ा स्टडी करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा आई हैव स्टडीड मारुतिराव कीर्स वर्क, वाह, अंडर पंचम दा, मैंने मतलब बहुत स्टडी किया कि ये पैटर्न कैसे बनाया होगा, ये कैसे किया होगा, ये क्या काम है यार, ये कैसे हुआ है। और फॉर्चुनेटली नितिन और मैं दोनों का एक भाई भाई भी है और दोनों ने इतना काम किया साथ में, हम दोनों बैठ के कितनी बार सोचते थे। और मेरे को आई हैव नेवर वर्क्ड विद आरडी बर्मन, बट आई हैव मेट मारुतिराव कीर जी, वही रहते थे स्वामी वाद्य केंद्र की गली के ऊपर रहते थे, देन लेटर ही शिफ्टेड टू कोल्हापुर, बट वो वहां तो वहां जाना, स्वामी वाद्य केंद्र में जाओ तो उधर मैं जाता ही था, और वो अब्बा जी को बहुत प्यार करते थे। मुझे अभी भी याद है दो तीन बार मैंने उनके यहाँ गया हूँ तो लंच टाइम के आसपास चला गया तो कोल्हापुरी मटन भी खाने मिले, तो वो एक अलग, तो उनको उनके साथ बात करके कैसे है स्टडी करके, तो ये भी एक जरूरी है कि आप कुछ स्टडी करें, सुने पुराने लोगों का काम और उसमें आप देखिए कि कैसे अरेंजमेंट होता था, ये कैसे अरेंज किया होगा पैटर्न उन्होंने, क्या हिसाब से क्या सोच के किया होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप किसी के अंडर रहें, वो तो अच्छा ही है, बट आजकल वो कॉन्सेप्ट रिदम अरेंजर का है किधर? आई मीन आई नो यू आर डूइंग इट, बट आई डोंट सी एनीबडी। आई मीन एट वन टाइम देयर वाज अ रिदम अरेंजर, इवन व्हेन आई वाज वर्किंग विद सर्टेन गाइस, नितिन भाई वाज वर्किंग विद सर्टेन गाइस, Shiva was working with Rehman and he was doing his rhythm arrangements. Then Ramu Chang, fantastic rhythm programmer, one of the best rhythm programmers hamare contemporary ka hai, but one of the best rhythm programmers. He was working with somebody else. Then somewhere else Bharat was working, somewhere else Pritesh was working. Mm-hmm. So we were all doing working but also kind of doing our rhythmic arrangements for various guys. So wo ek time tha ki hum log kaam karte the. अभी मैं देखता नहीं उतना, मैं कभी कभी जाता हूँ कुछ करता हूँ, यू आर डूइंग अ लॉट बट यू आर डूइंग इट। अभी आई थिंक द नेक्स्ट गाइज आर कमिंग इन, ओमकार है, ये लोग है, फिर आपके पीछे जो है लोग हैं वो आ रहे हैं, शिखर है और ये दूसरे जो यंग लोग हैं। बस यही कहना है मुझे कि किसी के अंडर रहना थोड़ा अच्छा रहता है, यू गेट टू स्टडी एंड देन इफ यू कांट देन यू स्टडी समबडी, किसी का काम देखिए आपके क्या किया हुआ है। You know, I got to work with certain other, I got to work with a person like Franco, one of the best drummers in the film industry. Yes. And I understood what many recordings of Anand Milind, he used to be there and I used to be his second rhythm guy. And he was kind enough to say, hey, tu ye, hum log divide kar dete hai. Although he could have played it alone. But he was saying, tu aaya na, tu ek kaam kar, tu ye baja le, main itna part baja lunga. Correct. तो ऐसे भी हुआ है टाइम, यू नो, मेरे को वो देखकर भी मुझे समझ में आता है कि देखो एक म्यूजिशियनशिप क्या होती है, समथिंग यू कैन डू अलोन, ही इज सेइंग यू प्ले लिटिल पार्ट, आई प्ले, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। दिलीप सेन समीर सेन का एक गाना था, ले पपिया जो पिया पान ले, सो फ्रैंको वाज देयर विद लाइव ड्रम्स, यस, एंड ही सेड यू डू द प्रोग्रामिंग, आई विल प्ले लाइव ड्रम्स, सो ही कुड हैव प्रोग्रामड इट आल्सो, and he was my senior, but he said, you do the programming, I'll play the live drum. So he's playing live, I've done the programming. So ye musicianship bahut zaruri hai, samajhna baju wale ko, usko leke chalna saath mein, jo seniors ne kiya hai mere sath. I have been fortunate ke jo Neeru karke jo famous kapanga pe Nirmal, Pradeep Lad, yes, Vakil Baba, yes, Pratap, ye sab senior log the mere, जिन्होंने मुझे संभाला है मेरे, मैं जब इंडस्ट्री में आया, करेक्ट, कि भाई देख तू ये ऐसा कर ले, ये पैटर्न ऐसा बजा ले, अरे तू खाली ऑक्टोपैड, अरे ऑक्टोपैडल नहीं है, एक काम कर तू शेकर ले ले, ऐसा करके लोगों ने
मुझे वो बताया कि शेखर कैसे बनना क्या, तो ये सब देख करके मैंने सीखा है। तो ये जरूरी है कि किसी के अंदर से आप जाए, बिकॉज देन ओनली एज अ रिदम अरेंजर आई एम सेइंग, मेलोडी वाले मेलोडी के अंदर से जाए, जो मेलोडिक अरेंजमेंट्स करते हैं या जिनका काम ऐसा है, तो उनको आप स्टडी करें। सी मैं आई इवन प्ले कीबोर्ड, आई प्रोग्राम मेलोडिक पार्ट्स आल्सो, सो व्हेन आई यूज्ड टू सिट विद you know there has to be 2-3 keyboard guys, I would be the rhythm guys, let's say we are working under one Raj, so Sanjay Vanjrikar hai ya Sunil Kaushik hai Anjan Das hai, to wo log apna kaam kar rahe hain, to main unka kaam sunta tha, okay, and I would ask them ki kya hai, what is this chord, what is this ye kya harmony, ye kya chord hai, they would help me out by explaining ki dekhiye main ye major hai minor hai, to mera major kya hai minor kya hai, to dekh ye 3 ऐसे नोट बन जाएगा तो मेजर बजेगा, ये माइनर हो जाएगा इसको ऐसे करेगा तो ये ऑगमेंटेड हो जाएगा, ये डिमिनिश्ड हो जाएगा, ये सेवेंथ ऐसा बजाते हैं, तो वैसा करके मेरे को, फिर मेरे पास कीबोर्ड था तो मैं थोड़ा प्रैक्टिस करता था, एक सिंपल एक्सरसाइज मेरे को संजय ने बताया कि ऐसा बजाते रहे तो वो मैं करता था। तो ये एज अ मेलोडी गाइज यू शुड डू दैट, यू गो थ्रू ऑल दैट अंडर सम मेलोडिक गाय, सो यू विल, इट विल बेनिफिट यू। आई रिमेंबर जब अमल ने मुझे बोला कि घर से निकलते ही रिक्रिएट कर रहा, एंड मतलब बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट इन माई लाइफ आई वुड से, कि वो गाना हम लोगों ने किया और मुझे पता था कि वो आपने अरेंज किया है पूरा, तो उस तरीके से ही मैंने आज के टाइम में रह के भी उसको कितना सिंपल और उस तरीके का फ्लेवर रखते हुए करना चाहिए, तो मैंने किया, गाना रिलीज हुआ, एंड वन डे आई स्टिल रिमेंबर आपका रात को 1 बजे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आई डिड दी ओरिजिनल घर से निकलते ही एंड you have done the recreation of it and it's sounding so beautiful and I'm very happy, so it's a big compliment for me, and that happened because main aapke sath abhi bhi recordings mein main jata hu to itni sari cheeze seekhne milti hai till now, matlab ke matlab hum sab aise surprised ho jate ki ye part kaise sir ke dimag mein aaya hai aur kaise unhone design kiya, kya socha, iske piche reason kya tha, so wo isliye mera वजह यही थी कि पूछने की कि किसी के अंदर रह के करना कितना वेरी नेसेसरी, बिकॉज़ यू 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 बेनिफिट फ्रॉम इट, या यू लर्न, या आप किसी को स्टडी करें, पुराने रिदम अरेंजर्स को मारुति राव की जी हैं या दत्ताराम जी हैं या समीर भाई हैं, उनका काम आप सुने, उन्होंने क्या काम किया है फिल्मों में, कैसा काम किया है, और थोड़ा सुनने से आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला, और थैंक यू सुदीप ऑडियो एंड मिस्टर आदित्य मेहता, यस थैंक यू सुदीप ऑडियो एंड थैंक यू आदित्य भाई दैट आपने मुझे आज ये अवसर दिया कि मैं अपने थॉट्स शेयर कर सकूं, और बट आई स्टिल मिस यू, आई थैंक यू दीपेश एंड ओमकार फॉर ब्लेसिंग, थैंक यू ओमकार, एंड यस सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।